हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि 1 अक्टूबर से हमें एनएक्सटी जाते हुए दिखने वाली है सीडब्ल्यू नेटवर्क पर, जिसके वजह से सीएम पंक, रैंडी ऑर्टन, ये सब भी हमें एनएक्सटी में अपनी अपीयरेंस करते हुए दिखने वाले। बट क्या रोमन रेंस भी आने वाले एनएक्सटी पर, तो क्या कुछ हो चुका है बड़ा, एंड एनएक्सटी पर रोमन रेंस की क्या कुछ प्लान्स होने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ वेड बैरेट के इनरिंग रिटर्न के बारे में। इसके अलावा रोमन रेंस को लेकर क्या कुछ बैड न्यूज निकल कर आई है। तो गाइस, सबसे पहले हम रोमन रेंस की उसी बैड न्यूज के बारे में ही कर लेते बात। तो जैसा कि जब रोमन रेंस का समर स्लैम में रिटर्न हुआ था, देन हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसके बाद जो बेसिन बर्लिन हमें देखने को मिलने वाला है, वहां पर रोमन रेंस का मैच होगा। बट वहां हमें देखने को नहीं मिला। और जैसा कि इस वीक के स्मैकडाउन में सभी रोमन रेंस का रिटर्न कर रहे एक्सपेक्ट, इसलिए रोमन रेंस बैड ब्लड में कम्पीट करने वाले, इसके चांसेस काफी ज्यादा है। लेकिन गाइज, एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि हमें सीएम पंक वर्सेज ड्रू मैकएंटायर का जो हेल इन अ सेल मैच देखने को मिलने वाला है, वो करने वाला है बैड ब्लड को मेन इवेंट। और आप सब जानते हैं रोमन रेंस अधिकतर पेपर व्यू को मेन इवेंट ही करते हैं जिसमें वो कम्पीट करते, यानी कि डेफिनेटली से इसके चांसेस अब कम चुके हैं कि रोमन रेंस बैड ब्लड का पार्ट रहने वाले, यानी कि या तो उनका कोई ऐसा मैच होने वाला है जो कि मेन इवेंट लाइक नहीं होगा, जैसे कि टैग टीम मैच, एंड उसे वो WWE शो के स्टार्टिंग में करा देगी, नहीं तो रोमन रेंस आप सबको बैड ब्लड का प्रीमियम लाइव इवेंट करते हुए दिखने वाले हैं मिस। अब लेट्स सी कि WWE क्या अपने प्लान्स में करती है चेंजेस या फिर नहीं। वैसे अगर रोमन रेंस का कोई टैग टीम मैच होने वाला है ब्लड लाइन के अगेंस्ट, तो आप उनके पार्टनर के रूप में किसे देखना चाहोगे, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए वेड बैरेट के इनरिंग रिटर्न के बारे में। तो आप सभी को पता ही, वेड बैरेट का पहले रिटर्न एनएक्सटी के कमेंटेटर के रूप में हुआ, फिर वो स्मैकडाउन के कमेंटेटर बने, एंड अब वो आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ पर। और आप सब ईयर की स्टार्टिंग से ये चीज नोटिस कर रहे हो कि वेड बैरेट हमें लगातार इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे थे ड्रू मैकएंटायर और सीएम पंक की फ्यूड में, यानी कि एक तरह से वो ड्रू मैकएंटायर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। एंड जैसा कि इस वीक के रॉ में ड्रू मैकएंटायर ने फाइनली इसका रिप्लाई देते हुए वेड बैरेट को कहा कि तुमने जो भी किया मैं उससे एंग्री नहीं हूं, लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड हूं बिकॉज तुम मेरे एक क्लोज फ्रेंड हो, दोनों एक साथ कंट्री में आए, दोनों एक साथ जेल भी गए, और अगली बार से अगर तुमने ऐसा किया तो मैं डिसअपॉइंटेड नहीं बल्कि एंग्री होने वाला हूं। जिसके बाद वेड बैरेट भी एक तरह से अपना हेडसेट उतार कर ड्रू मैकएंटायर को करते हैं कन्फ्रंट। और इसी पिक्चर को WWE ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कर आई बोल की इमोजी बनाई है, यानी कि यहां से वो ड्रू मैकएंटायर और वेड बैरेट की फ्यूड कर रही है टीज। और गाइस, देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वेड बैरेट का एंडिंग रिटर्न काफी जल्द होने वाला, यानी कि मे भी हो सकता है जब ड्रू मैकएंटायर और सीएम पंक की फ्यूड खत्म हो, देन उसके बाद हमें ड्रू मैकएंटायर और वेड बैरेट की फ्यूड होते हुए दिख जाए स्टार्ट। और वैसे भी पैट मैकेफी का रिटर्न रॉ के कमेंटेटर के रूप में होने वाला है जनवरी में, तो हो सकता है हमें वेड बैरेट को पैट मैकेफी रॉ में करते हुए दिख जाए रिप्लेस। वैसे क्या आप इंटरेस्टेड हो वेड बैरेट और ड्रू मैकएंटायर की फ्यूड में या फिर नहीं, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद फाइनली बात कर ली जाए कि क्या हमें रोमन रेंस एनएक्सटी में होते हुए दिखने वाले हैं अपीयर। तो आप सभी को बता दू, जिस तरह सभी स्मैकडाउन यूएसए नेटवर्क पर आ रही है, रॉ जा रही है नेटफ्लिक्स पर, उसी तरह से एनएक्सटी भी यूएसए नेटवर्क से जा रही है सीडब्ल्यू नेटवर्क पर, जिसके वजह से वहां पर एक एपिसोड के लिए सीएम पंक को कर दिया गया कंफर्म, एक के लिए रैंडी ऑर्टन को। बट क्या रोमन रेंस भी हमें एनएक्सटी में होते हुए दिख सकते हैं अपीयर? तो आप सभी को बता दू, इस वीक के एनएक्सटी में हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स और फ्रैक्सियम का मैच देखने को मिल रहा था, लेकिन वहां पर न्यू ब्लड लाइन हमें आते हुए दिखती है, और वो एक तरह से इन चारों सुपरस्टार्स पर हमें करते हुए दिखती है। अटैक इंडिया से यहाँ पर सोलो सिक्वा नहीं थे, बस टामा टोंगा, टांगालोआ एंड जैकोब फाटू, और इनका थोड़ा लुक भी अलग लग रहा था। अब यहाँ पर वो अगर आकर सिर्फ स्ट्रीट प्रॉफिट्स पर ही करते अटैक, देन तब तो सही था, लेकिन उन्होंने फ्रैक्सियम टीम पर भी किया अटैक। तो गाइस, इसके बाद ये न्यू ब्लड लाइन हमें बैक स्टेज ये बताते हुए दिखती है, जो भी ये हुआ ट्राइबल चीफ के ऑर्डर से। और फ्रैक्सियम टीम के मेंबर नेथन फ्रेजर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू ये बताया कि फ्रैक्सियम अपनी सर्विसेज ऑफर करना चाहती है दी ट्राइबल चीफ को, जिसके बाद उन्होंने नीचे दी ओरिजिनल वन भी लिखा, यानी कि यहां से वो यही बताना चाह रहे हैं कि वो अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं। अब यहां से हो सकता है बहुत लोग यही सोच रहे होंगे, भाई रोमन रेंस कहां एनएक्सटी में आने वाला, ये सब ऐसे बकवास चीजें हैं। बट ये अचानक से जो ब्लड लाइन एनएक्सटी में गई है, उसके बाद ये रोमन रेंस को लेकर ट्वीट आया है, और अभी सीडब्ल्यू नेटवर्क पर जाने वाली है एनएक्सटी। तो देखकर लग रहा है WWE एनएक्सटी के साथ करने वाली है कुछ बड़ा। तो हो सकता है अगर सोलो सिक्वा भी अगर इस न्यू ब्लड लाइन के साथ होते हैं अपीयर, देन हमें रोमन रेंस भी आते हुए दिख सकते हैं एनएक्सटी में, एक तरह से फ्रैक्सियम टीम की हेल्प करने इस न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट, जिससे एनएक्सटी को रेटिंग्स में होने वाला है काफी ज्यादा फायदा। बट हाँ, एक्सपेक्टेड है कि अगर रोमन रेंस एनएक्सटी में आते हैं तो वो उनका एक वन टाइम अपीयरेंस ही होने वाला, यानी कि ऐसा नहीं होगा वो लगातार एनएक्सटी में अपीयर होंगे, वो बस 100 में अपीयर हो सकते हैं, जिस तरह से पिछले कुछ टाइम में बड़े बड़े सुपरस्टार्स हो रहे। लेकिन गाइस, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि क्या रोमन रेंस को फ्रैक्सियम टीम की हेल्प लेने
लेनी चाहिए या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।